How are you, Kim? So my name is Nitik Gadwe. We are studying chapter number 2, whole numbers, exercise 2.2, question number 1. So in question number 1, we have to find the sum by the suitable rearrangement. यानी हमें नीचे जो भी numbers दिए गए उसका sum करना है, पर कैसे? By the suitable rearrangement. जब हम example start करें, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक आपको introduction देना चाहूंगा कि suppose we are adding 538 प्लस 237, ये इजी होगा, या फिर 500 प्लस 200 ये इजी होगा. आप बोलोगे कि सर ये इजी होगा, 500 प्लस 200 700. तो जब भी पीछे जीरो वाला टर्म आता है, किसी भी हमारा जो नंबर है अगर उसके पीछे जीरोस होंगे तो उसका एडिशन करना हमारे लिए इजी होगा. तो सेम इसी फेनोमेना का यूज करके हम इस सारे एग्जाम्पल करेंगे. तो चलो देखते हैं क्या होगा. सपोज यहां पर तीन नंबर है, उसमें अगर हम पीछे के नंबर्स देखें और किसमें जीरो होता है, 7 प्लस 8 15 होता है, 7 प्लस 3 10. तो यस, वहां पर जीरो आ रहा है पीछे, तो हम रीअरेंजमेंट करते इसको आगे ले लेते. तो चलो लिखते हैं इसे 837 प्लस 363 प्लस 208. अब इसका हम एडिशन करेंगे, 7 प्लस 3 10 आया 0, यहां पर 1, 6 प्लस 3 9 और एक 10, यहां पर वापस 1, 3 प्लस 8 11 और एक 1 12. तो ये मिला हमें 1200 प्लस 208. चलो अब इसका एडिशन करते, 8 प्लस 0 8, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 2 4 और ये 1. तो हमें आंसर मिला 1408. तो हमने क्या किया कि जो भी नंबर से पीछे अगर जीरो आया, इस तरह से कुछ हमने रीअरेंजमेंट किया और उसका एडिशन किया. हमने इसका एडिशन किया, इसको बाद में रखा और लास्ट में दोनों का एडिशन कर लिया. अगर आपको इस तरह से आता है डायरेक्ट तो आप ऐसे भी कर सकते हो एडिशन, वरना हमारे जो कन्वेंशनल नॉर्मल मेथड है उससे भी हम कर सकते हैं. चलो सेकेंड एग्जाम्पल में जाते हैं. यहां पर भी हम पहले पीछे का डिजिट देखेंगे कि क्या किसी में जीरो आ रहा है. 2 प्लस 3 5 नहीं आ रहा है, 2 प्लस 8 0 यानी 10 यानी जीरो आ रहा है. तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हम साथ में ले लेंगे. चलो रीअरेंजमेंट करते हैं, 1962 प्लस 1538. अब ये टर्म और ये टर्म बची है, इसमें 3 और इसमें 7, तो 7 8 9 10 इसमें भी आ रहा है 0, प्लस 453 प्लस 647. एडिशन में खास देना, ये एडिशन हम किस तरह से कर रहे हैं, 8 प्लस 2 10, तो ये 1 यहाँ आ गया 0, 3 प्लस 6 9 और एक 1 यानी कि 10 0, 5 प्लस 9 14 और एक 1 यानी कि 15, 1 प्लस 1 2 और एक 1 यानी कि 3, 3500 प्लस ये 3 प्लस 7 10 0, 4 प्लस 5 9 और एक 1 यानी 10, 6 प्लस 4 10 और एक 11, ये आया 1100. 1100 अब इसे करते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 3 4, तो इसका आंसर आया 4600. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी विल गो ऑन अवर नेक्स्ट एग्जांपल.